सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन जीरो। चंद्रयान 3 मिशन इज मोर रगड एंड इट इज हैविंग मोर कॉन्फिडेंस दैट इट विल बी सक्सेस दिस टाइम एंड कंपेयर टू द चंद्रयान 2। दैट्स व्हाट रीजन वी आर रिपीटली टेलिंग दैट। चंद्रमा की स्पर्श जगह भारत का चंद्रयान 3 बनाम रूस की लूना 25 मिशन का पर्दाफाश। रशियास लूना 25 मिशन जिसे 10 अगस्त 2023 को सोविज रॉकेट पर लॉन्च किया गया था का लक्ष्य भारत के चंद्रयान 3 से कुछ दिन पहले चंद्र दक्षिण ध्रुव लूनार साउथ पोल के करीब सॉफ्ट लैंडिंग करना था। इस विषय पर हमने एक साइंस प्रोफेसर से बात की और हमने पूछा, आप लूना 25 और चंद्रयान 3 के हालिया मिशनों को कैसे देखते हैं और चंद्र अन्वेषण और उससे आगे फ्यूचर कोलैबोरेशन या कंपटीशन के लिए उनका क्या प्रभाव हो सकता है। सबसे पहले ये उल्लेखनीय है कि ये दोनों मिशन अंतरिक्ष सहयोग इतिहास वाले देशों से आए हैं। ये तथ्य कि रूस और भारत ने स्वतंत्र रूप से निकटता में चंद्र मिशन लॉन्च किया है, चंद्र अन्वेषण में उनकी निरंतर रुचि को दर्शाता है। लूना 25 की 47 वर्ष के बाद चंद्र अन्वेषण में वापसी और चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक खगोलीय पिंड और संभावित रूप से एक संसाधन के रूप में चंद्रमा के महत्व को रेखांकित करता है। मिशन डिस्टिंक्ट अप्रोचेस और प्रायोरिटीज को भी प्रदर्शित करता है। लूना 25 हल्का होने के कारण और मिट्टी की संरचना का अध्ययन करने और सतह पानी का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान पर जोर देता है। इसके विपरीत चंद्रयान 3 में 500 मीटर तक चलने में सक्षम रोवर को शामिल करना और शैडोड क्रैटर्स में पानी बर्फ की खोज करना चंद्र संसाधन उपयोग और संभावित विषय के रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने घोषणा की है कि लूना 25 की लैंडिंग से चंद्रयान 3 पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों के लैंडिंग क्षेत्र अलग अलग हैं। Why is Luna 25 reaching the moon earlier than चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 की तुलना में लगभग एक महीने के बाद लॉन्च होने के बावजूद लूना 25 अपने अधिक डायरेक्ट ट्रैजेक्टरी के कारण चंद्रमा पर पहले पहुंचने में सक्षम है। लूना 25 का वजन करीब 1750 किलोग्राम का लिफ्ट ऑफ मास है। चंद्रयान 3 के 3900 किलोग्राम की तुलना में ये काफी हल्का है, जो तेज गति से यात्रा करने हेतु महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 ने लोअर फ्यूल रिजर्व की भरपाई के लिए चंद्रमा की ओर उड़ान भरने से पहले वेलोसिटी उत्पन्न करने के लिए एक दीर्घ मार्ग अपनाया जिसमें वेलोसिटी उत्पन्न करने हेतु युक्तियां शामिल थी। इसे लूनार ऑर्बिट तक इसकी यात्रा में 22 दिनों की बढ़ोतरी हुई। What is the status of India-Russia space collaboration? India's first satellite Aryabhatta को वर्ष 1975 में सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। USSR के इंटरकोसमोस प्रोग्राम के हिस्से के रूप में वर्ष 1984 में सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन के लिए सोयूज रॉकेट ने उड़ान भरी थी। राकेश शर्मा इस रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने वाले इकलौते भारतीय नागरिक हैं। वर्ष 2004 में दोनों देशों ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इसमें ग्लोनास नेविगेशन सिस्टम का विकास और भारतीय रॉकेटों द्वारा रशियन ग्लोनास सैटेलाइट का लॉन्चिंग शामिल था। शुरू में ऐसा माना जा रहा था कि चंद्रयान 2 मिशन को भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से पूरा किया जाएगा। हालांकि रूस द्वारा चंद्रयान 2 के लिए लैंडर रोवर को डिजाइन करने से मना किए जाने पर भारत को इसे स्वतंत्र रूप से विकसित करना पड़ा। इसके अतिरिक्त भारत के पहले क्रूड स्पेस मिशन गगनयान का हिस्सा बनने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूसी अनुसंधान केंद्रों में प्रशिक्षित किया गया है।